नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज का हमने अपडेट आपको दिया था कि नोटिफिकेशन के बारे में, और इस वीडियो में आपको डिटेल में बात करें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहेंगी, क्या एग्जाम के रिगार्डिंग क्या होगा क्या नहीं होगा। देख लेते हैं क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, नोएडा में है ये। यहाँ पर रिक्रूटमेंट द डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर डिटेल है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है जिसके फॉर्म यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आपको अप्लाई करने है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ विजिट द पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड हेल्थ ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आपको पता है कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो 13 जुलाई को पहले रिलीज हुआ था। जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो पहले उनको बोला जाता था असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है, तो इनके लिए ये पूरा का पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। आगे बात कर लेते हैं कौन कैसे आपको अप्लाई करना। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन, उसके बाद अपनी डिटेल भरनी है, अपना फोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के वो अपलोड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, फिर प्रिंट आउट निकालना है। ये प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दी कैसे अप्लाई करना। अब यहाँ पे वैकेंसीज की एक बार डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट टू बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वर्टिकल नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगा नर्सिंग ऑफिसर की, कितनी वैकेंसीज बताई गई है यहाँ पे, 80 वैकेंसी बताई गई है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 80, जिसमें SC की 17, ST की 1, OBC की 22, EWS की 8 और जनरल की 32 वैकेंसीज, टोटल 80 वैकेंसीज है। फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रेड, जो लेवल पे रहेगा 7 रहेगा आपका, ठीक है। और ये वैकेंसीज के बारे में डिटेल थी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगी आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 1500 रुपये है, OBC EWS से 1500 है, SC ST के 1000 रुपये, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी का, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड शेड्यूल। आगे देख लेते हैं क्या लेट शेड्यूल है इनका। फीस के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया, अब एज के बारे में देख लीजिए। एज लिमिट वाला कॉलम आ गया। यहाँ पे आप देखिएगा द डिसीजिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन रिक्रूटमेंट टू ऑल पोस्ट मेंशन इन द अबाउट टेबल इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को यहाँ पे कम से कम हैव टू अटेंड द 18 साल होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड अदर सच कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश, द अपर एज लिमिट विल बी एज हाई एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अभी जो एज लिमिट इन्होंने बताई है 18 से 40 ईयर्स है, ये हो गया एज लिमिट। बाकी जो भी रहता है वो उसके हिसाब से रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फॉर रिक्रूटमेंट टू द ऑल द वैकेंट पोस्ट मेंशन्ड इन द अबाउट टेबल 1, द डेट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू होल्ड द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, एजुकेशनल अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जुलाई 2024 के हिसाब से ये एज काउंट करेंगे, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्या मांगा गया है, जो PGICH में नोएडा में वैकेंसी निकली है, ठीक है, डेट भी दी है जो शॉर्ट नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर की, ग्रुप बी की रहेंगी आपकी ये। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जिन्होंने BSc ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ हो, BSc ऑनर्स नर्सिंग बताया मैंने आपको, BSc नर्सिंग किया हुआ हो, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए आपका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए आपने, या BSc या पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो उन्होंने फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड, आगे सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा, रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। सेकंड, जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा GNM किया हुआ है फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको GNM वाले कैंडिडेट्स के, 50-bedded हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये बात होगी मैं क्वालिफिकेशन की, उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे
5 पेजेस की एडवर्टाइजमेंट है और 5 पेजेस की डिटेल दी हुई है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।